दोस्तों फायरिंग करते ये बुलेट 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हाई टेम्परेचर पर बुलेट गन से बाहर निकली। अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की आउटर लेयर यूँ कटा दूँ तो इसके अंदर है चार लेयर, सरमिक लेयर, फिर एरामिड फाइबर लेयर, तीसरी है वर्टेक्स लेयर और चौथी है पॉलीएथिलीन लेयर। सबसे पहले बुलेट सरमिक लेयर की सरमिक डिश से टकराएगी जिससे कि बुलेट की स्पीड कम हो जाएगी, प्लस इसकी जो स्टील लेम शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म में होने के बाद यह है एरामिड फाइबर लेयर से टकराएगी, यह है स्टील से भी अधिक मजबूत टाइटली व्यूड फाइबर है। जैसे बुलेट इसे टकराएगी तो यह फाइबर ऐसे पीछे की ओर हो जाएगा और इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और फिर यह इसको चीरते हुए आगे की ओर बढ़ेगी जहां पर वर्टेक्स लेयर है। वर्टेक्स लेयर एरामिड फाइबर लेयर का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो कि और ज्यादा मजबूत टाइटली होता है। और फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर आगे बढ़ते हुए जब यह बुलेट उस पॉलीएथिलीन लेयर से टकराएगी तो उसका वह पार्ट पिघल जाएगा और उस बुलेट को कुछ इस प्रकार से जकड़ लेगा।